और अब बात तूफान रिमाल की, जिसको लेकर बड़ी खबर यह है कि बंगाल के समुद्री तटों से टकराने वाला है तूफान। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान 120 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और यही नहीं, समंदर में 1.5 मीटर ऊंची ऊंची लहरें उठ सकती हैं और इसे लेकर कोस्ट गार्ड को भी अलर्ट पर रखा गया है। रेस्क्यू टीमों के साथ ही कई जहाजों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। मौसम विभाग ने कोलकाता, हावड़ा, नादिया और पूर्वी मेदिनीपुर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ वो है बंगाल के जो एकदम दक्षिणी हिस्सा, मतलब जहाँ पे सुंदरवन है उसी हिस्से पे मैं अभी खड़ा हूँ और इस जगह का हाल आप देख रहे हैं। आपको ये तस्वीर देख के कहीं लग रहा होगा कि ये किसी समुन्दर के किनारे मैं खड़ा हूँ, लेकिन नहीं, ये मातला रिवर है और रिवर के किनारे यही हाल अभी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ये जो दूसरी तरफ का जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं ये मैनग्रोव का फॉरेस्ट है और मैनग्रोव के फॉरेस्ट के अंदर आज जो हाई टाइड की वजह से जो पानी अभी घुस रहा है, ऐसे ही स्थिति आज दिन भर बना रहेगा, ऐसा ही सूचना दी गई है जो लोकल जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव जो लोग हैं उनकी तरफ से। और ये जो जगह है यहाँ पे रात को जिस टाइम लैंडफॉल होगा वो लैंडफॉल के समय पे भी हाई टाइड का टाइम है, इसीलिए आसपास के जो गांव है उन सभी गांव में अभी ज्यादा अलर्ट दिया गया है और जो प्रशासनिक जो कर्ता जो लोग हैं उनको भी अभी हाई अलर्ट पे डाल दिया गया है, लोकल जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है उनकी तरफ से। मध्य प्रदेश में नौतपा शुरू हो चुका है और मुरैना जिले में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया है। ऐसे में जिले के ग्रामीण इलाकों में पानी की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। गांव में पीने के पानी का कोई साधन ही नहीं है, कुएं सूखे हैं, इकलौते हैंडपंप से दूषित पानी निकल रहा है, नल से जल पहुंचाने की योजना अधर में लटकी हुई है। आसमान से बरसती आग, तपती जमीन पर नंगे पांव, ऊपर से सिर पर पानी से भरा बर्तन और लंबा सफर। मुरैना जिले के ग्रामीण इलाकों में आजकल ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। वजह है जल संकट। ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में पानी की किल्लत है और प्यास बुझाने के लिए क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या महिलाएं, सभी इस वक्त पानी की व्यवस्था करने में व्यस्त हैं। ये तस्वीर मुरैना जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर कैलारस ब्लॉक की है, जहां थाटीपुरा पंचायत के गुर्जा और देवीपुरा दोनों गांवों को मिलाकर एक हैंडपंप है जिसका पानी भी पीने के लायक नहीं है। इसके बावजूद ग्रामीण इस हैंडपंप का दूषित पानी पीने को मजबूर है। गांव में 5 कुएं हैं, सभी सूख चुके हैं। पानी की क्या व्यवस्था है? पानी की कोई व्यवस्था नहीं है साहब, पानी की सब उनके प्यासे मर रही हैं, बहुत दूर से लाना पड़ता है पानी, आर के कुएं में थे गांव के कुआ तो सूख ही रही है। पानी अतिना ना बहुत दूर से लावत है, 1 किलोमीटर बहते कच्चू नाना सूख रहे हैं सब। कब से परेशानी आ रही है? अरे 3 साल है गई। ग्रामीणों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए थाटीपुरा पंचायत में 1 साल पहले नल जल योजना के तहत एक टंकी का निर्माण कराया गया था, लेकिन काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। थाटीपुरा पंचायत में गरीबों के लिए 300 फीट ऊंची पहाड़ी पर आवास बनाए जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब निचले इलाके में पानी की समस्या है, ऐसे में पहाड़ी पर उन्हें पानी कैसे मिलेगा? हुआ हैंडपंप कुछ नहीं, कुआ आते थे सूख गए। और हैंडपंप नहीं है? हैंडपंप नहीं है। अच्छा, नल जल योजना वगैरह कोई कुछ नहीं है साहब? कोई शासन का अधिकारी आया या कोई अधिकारी ना आया है? एक से क्या सी करी पानी आना कहते हैं हैंडपंप बनाना, कुआ थे कुआ सूख गए। कहाँ से लाती हो पानी? और दो भेला था गली दूध 2 मीटर तेज थी। क्या परेशानी आ रही है? कब से नहीं है पानी? ना गाँव होते आया जा गाँव में कचू नाना है पानी पानी। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ के कुएं सूख चुके हैं जिसे बंद नहीं कराया गया, कई बोरवेल भी खुले हैं। सरकार के आदेश के बावजूद इन्हें ना तो बंद कराया गया है और ना ही इन्हें ढका गया है। ये तो तभी कुदड़ रहे हैं, सूख गए हैं, पानी नहीं है इनमें और इनके घाट माट सब रह गए, बच्चे की दिक्कत आवचे।
न कोई हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था, न लाट की, न बाकी कछु नहीं है, बोर बोर कुछ नहीं है। उधर गांव में पानी की समस्या, खुले कुएं और बोरवेल पर अधिकारियों का कहना है कि उन्हें अभी इस बात की जानकारी मिली है, समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा। ये स्थिति ठीक नहीं है, बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है। मैं आज ही EPHE से बात करूंगा और इसका अतिशीघ्र मैं समाधान कराऊंगा। जो हैंडपंप चालू हो सकते हैं उसको जल्दी कराने की व्यवस्था की जाएगी। अधर में लटकी योजनाएं, ग्रामीणों की समस्याएं और अधिकारियों के आश्वासन, ये समस्या गुर्जा और देवीपुरा जैसे गाँव के लिए आम है। मौसम बदलते ही ग्रामीणों की समस्याएं बदल जाती है, अगर कुछ नहीं बदलती है तो वो है व्यवस्था। अमित शर्मा, न्यूज 18, मुरैना। और एक